जिंदाबाद 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 नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं होने देंगे नहीं होने देंगे ज्ञान बाबी को दूसरी बाबरी नहीं होने देंगे नहीं होने देंगे नहीं होने देंगे ज्ञान बाबी को दूसरी बाबरी होने नहीं देंगे ज्ञान बाबी को दूसरी बाबरी नहीं होने जिंदाबाद अस्सलामुअलैकुम। आज जैसे कि आप देख सकते हैं कि बेलगाम में एक प्रोटेस्ट मुनक्किद किया गया है SDPI की तरफ से, जो कि ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर है। ज्ञानव्यापी मस्जिद का एक इशू अभी पूरे इंडिया में एक बहुत बड़ा हॉट इशू चल रहा है, जिसमें एक फाउंटेन को बताते हुए ये लोग कह रहे हैं कि शिवलिंग मिला है। जब कोर्ट ने इसका सर्वे का ऑर्डर दिया था तो इनके पास कोई भी एक एलिगेशन नहीं था, बेसलेस थे ये लोग। तो इन्होंने क्या किया, मस्जिद में जाकर वहाँ पर छानबीन करने के बाद में उन्हें क्या है, एक वज़ू खाने के अंदर एक फव्वारा मिला, फाउंटेन जिसे हम कहते हैं, वो उस फाउंटेन को दिखाते हुए ये लोग बोल रहे हैं कि ये शिवलिंग है करके बोल के, जबकि ये अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट किया गया है वाराणसी कोर्ट की तरफ से, क्योंकि अकॉर्डिंग टू प्लेस ऑफ वर्शिप जो ये जो एक्ट आता है 1991 का, इसमें साफ साफ बताया गया है 15 अगस्त 1947 के बाद जितने भी मस्जिदें मंदिरें गिरजाघर यहाँ पे है ये वहीं पे रहेंगी, ये वही प्रॉपर्टी है जो पहले से थी। इसमें अगर कोई आकर फेक एलिगेशन करता है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है ये या फिर इसका हकदार मैं हूँ करके बोल के, तो उसे क्या है क्रिमिनल एक्ट में बंदी बना लिया जाएगा। मगर ये सब जानने के बावजूद भी वाराणसी कोर्ट ने क्या किया, अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन फैसला दिया। तो ये फैसले से हम SDPI वाले नाराज़ हैं और SDPI वाले इसे कंडेम करते हैं। तो इस फैसले को वापस लिया जाए, और इस फैसले के लिए अगर हमें ये लोग वापस नहीं लेते तो हमें जिस लेवल तक भी कॉन्स्टिट्यूशन को पकड़ कर जिस लेवल तक भी हम जा सकते हैं उस लेवल तक जाकर हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे। एक दर्द तो हम बाबरी मस्जिद का सह चुके हैं, वो अभी भी हमारे दिलों में उसका ज़ख्म भरा नहीं है, और दूसरा हम ज्ञानव्यापी मस्जिद का दर्द और ज़ख्म हम सह नहीं सकते। इसलिए क्या हम आप सबसे अपील करते हैं कि इसके लिए सामने आएँ, आगे आएँ, बात करें। और जैसे कि आप देख सकते हैं हम सिर्फ नॉर्थ में ही ये सब चीज़ें हो रही है, नॉर्थ इंडिया में करके बोल के हम समझ रहे थे, देखते देखते ये क्या है अभी हमारे गोकाक जैसे सिटी में, गोकाक जैसे गांव में, अरबावी में एक झंडा लगाया गया मस्जिद के ऊपर। उसको लगाने के साथ साथ जो लोग झंडा लगाए थे इन्होंने नेक्स्ट डे आकर ट्वीट भी किया कि हमने ही ये झंडा लगाया है करके बोल के। इससे हम क्या समझ सकते हैं कि इन लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन का, एडमिनिस्ट्रेशन का, पुलिस का किसी का डर नहीं है, या अपने दिल में जैसा है वैसी मनमानी करने के लिए अभी क्या है उतावले होकर काम कर रहे हैं। तो हमें भी चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहते हुए हम इनके खिलाफ़ क्या कर सकते हैं, ये काम हमें करने की ज़रूरत है। और इसी के साथ अब्दुल शाह दरगाह का भी एक इशू जो आया है, जहाँ पे IT पार्क बनाने की मांग की जा रही है, जो कि बहुत बड़ी ज़मीन है 750 एकड़। ये ज़मीन जो है डिफेंस के अंडर में आती है और इसे जो है दरगाह के अहाते के साथ जोड़ा गया है। मगर IT पार्क बनाकर आप आने वाले दिनों में हो सकता है कि जिस तरह से बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया गया, आने वाले वक्त में दरगाह को भी डिमोलिश करने की एक साजिश हो सकती है। तो इस वजह से हम इसे भी कंडेम करते हैं कि यहाँ पे जो है IT पार्क ना बनाया जाए। IT पार्क के लिए जो जगह देसूर में दी गई है उसी जगह पर क्या है IT पार्क को बनाया जाए। और इसी के साथ मैं एक माइनॉरिटीज़ को एक मैसेज देना चाहूँगा, जिस तरीके की आज साजिशें चल रही हैं माइनॉरिटीज़ को चाहिए कि वो सामने आए, फ्रंट पर आकर क्या है अपना मुजाहरा करें। माइनॉरिटीज़ इसमें सबसे ज़्यादा क्या है कुचले जाने वाले हैं, उनके ऊपर तकलीफ़ें आने वाली हैं। तो मैं हमारे लोगों से यही बताना चाहूँगा, आज आप डर के मारे ज़बान नहीं खोल रहे, अगर इसी तरह के हालात आप बनाए रखेंगे तो आने वाले वक्त में आपकी पीढ़ी मुँह में ज़बान रह कर भी ये लोग गूंगे रहेंगे, इनको ना तो बोलने का हुकूक रहेगा। आज आपके पास बोलने का हुकूक है, पूरे अपने हुकूक को इस्तेमाल करते हुए, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन का दायरा है दायरे को इस्तेमाल करते हुए आप सामने आएँ, आप अपने हक के लिए सामने आएँ, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए सामने आएँ, और आकर क्या है अपने हक के लिए आवाज़ लगाए और अपना काम जो है उसे अंजाम दें। आज हमें ये सब मुशक्क़तें क्यों उठानी पड़ रही है, हमें आज आकर अपनी खुद की पार्टी लेके आकर काम क्यों करना पड़ रहा है। पिछले 70-75 सालों में जो सेक्युलर पार्टी बोल के हमने जो जिनको हमारा वोट बैंक बनाकर हमें अपनी पीढ़ियों की पीढ़ी इनके पीछे लगा दी, आज वो जो सेक्युलर
सेक्युलर पार्टीज़ जो है हमारे तरफ मुड़ कर भी देखने के लिए तैयार नहीं है, जबकि बहुत सारे चर्चेज़ में क्रिश्चियनों को मारा गया, बहुत सारे जगह पे मुसलमानों को मारा गया, बहुत सारे जगह पे क्या है मुसलमानों को तकलीफ़ दी गई। उस वक्त हिजाब के मामले में किसी भी मामले में कोई भी सामने नहीं आया। तो हम तलवे चाटने के बजाय हम अगर काम करेंगे अपनी ही पार्टी को बढ़ाने का, तो हम हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में एक मुकाम पर आ जाएं। तो बस यही बात मैं आपको समझाते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। मेरा नाम आबिद खान है, SDPI बेलगाम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू।